सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर हो चली है। उम्मीद थी कि कोविड के टाइम सरकार की नींद खुलेगी और वो सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान देगी और उसको इम्प्रूव करेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज भी हम ये देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों के अंदर लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, दाखिले से मना करते हैं। और अभी तो दो केसेस ऐसे आए हैं जो रामबनोर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स गए, उनको आईसीयू बेड चाहिए था, वेंटिलेटर फिटेड, वो नहीं मिला और उसमें से एक की डेथ भी हो गई। और अस्पताल ने मतलब जो दवाइयां थी वो तो उनको बाहर से खरीदनी ही पड़ती थी, लेकिन इसके अलावा जो वेंटिलेटर था उसके लिए भी उनको बोला गया कि आप जो है वो जो प्राइवेट एक एंटरप्रेन्योर है उससे आप किराए के ऊपर मतलब जो है अस्पताल में वेंटिलेटर मंगवा लीजिए। हैं, तो ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं था कि सरकारी अस्पताल जो है वो मरीज को ये बोले कि अपने पैसे से आप वेंटिलेटर जो है वो किराए पे मंगवा लीजिए। तो ये स्थिति जो आ गई है मुझे लगता है कि काफ़ी भयंकर है और जो इसका असर पड़ता है वो गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो है लोगों की मौतें और भी ज़्यादा जो है बढ़ गई है। नॉन कोविड, कोविड दोनों की हालत जो है पेशेंट्स की हालत ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर सरकारी सुविधाएं जो हैं वो कोलैप्स करेंगी तो जो 80% 70% गरीब लोग हैं जिनकी उम्मीद सिर्फ जो है वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की के ऊपर होती है, वो कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।